सामने लड़े ना बोलेगा तो हम आप बता रहे हैं मर रहे चुनाव जीत रहे हैं क्या आधार क्या रहेगा क्या मुद्दे रहेंगे क्या रहेगा किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग अभी बैठे जा रहे हैं ये विकास से लड़ाई चुनाव से विकास और सुशासन पर चुनाव नमस्कार मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक लाइन ऑर्डर ताट पर रख भाजपाइयों ने किया बवाल प्रशासन मौन पुलिस प्रशासन को लेकर प्रदेश में जनपद की छवि धूमिल चर्चाएं आम बवाल के बाद सपा कार्यालय पर मंथन बनी आगे की रणनीति तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस खबर को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद चुनाव की 30 सीटों पर नामांकन करने के अंतिम दिन में सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपना अपना नामांकन करने पहुंचे परंतु इस बीच फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में एमएलसी चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ नामांकन करने पहुंचे सपा प्रत्याशी हरीश यादव को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा इतना ही नहीं पुलिस प्रशासन के सामने आला अधिकारियों के सामने प्रत्याशी के कपड़े फाड़ दिए और गिरा गिरा कर मारा और पुलिस प्रशासन मूल दर्शक बना देखता रहा सपा प्रत्याशी के सारे कपड़े भी फट गए हालात बिगड़ते देख सपा प्रत्याशी मौके से भागकर नामांकन कक्ष पहुंचे जहां उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया वहीं भाजपा की ओर से उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने भी पर्चा दाखिल किया जबकि इससे पूर्व एमएलसी चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर फर्रुखाबाद के नगला निवी नियामतपुर निवासी नरेंद्र सिंह ने अभी अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं इस प्रकार फिलहाल विधान परिषद चुनाव मैदान में 3 प्रत्याशी हैं जिनका 9 अप्रैल को जनपद फर्रुखाबाद कन्नौज इटावा बावरैया में मतदान होगा तो नामांकन के दौरान हुए बवाल को लेकर समाजवादियों ने क्या कहा जरा अध्यक्ष क्या बवाल हो गया है आज चुके एमएलसी स्थानीय निकाय क्षेत्र से नामांकन प्रक्रिया थी तो अंतिम दिन था आज तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री हरीश कुमार यादव जी अपने साथियों और प्रस्तावकों के साथ मतदान के क्षेत्र जा रहे थे तो वहाँ पर पहले से मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको बलपूर्वक रोका और अभद्रता की अभद्रता के साथ सुनने में आ रहा कि कपड़े बड़े भी फाड़े हाँ इस तरीके की भी घटना हुई है और जो निंदनीय है और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये तरीका गलत है किसी को मतदान किसी को आवेदन अपना आवेदन जमा करने से रोकना या लोकतांत्रिक तरीका है भाई निर्णय तो मतदाता करेंगे स्वच्छ और निष्पक्ष मतदान होने देना चाहिए शुरुआत कहाँ से हुई कैसे क्या हुआ इतना फोर्स था हाँ इतना फोर्स था आश्चर्य की बात है बस अचानक ही लोग आ गए और उनको घेर लिया और पता था मतदाता क्या कार्रवाई की क्या रणनीति बन गई आक्रमण ने जब अपना आवेदन कर रहे थे तो जिलाधिकारी महोदय को वर्वली बताया है बाकी देखते हैं अभी हमारे नेता बैठेंगे इस केस पे हमें आगे क्या आज बताएं थोड़ा डिटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरीश चंद जी अपना नामांकन करने कचहरी पहुंचे थे लेकिन जैसे ही वो पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी नेता कार्यकर्ता जब है उनका नामांकन पत्र छीनकर फाड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन वो उस चीज़ में सफल नहीं हो पाए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नामांकन जाकर किया उन्होंने वो कार्यकर्ता है कुछ लोगों ने धक्का मुक्की भी करने का प्रयास किया लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे नेता थे उन लोगों ने हमारे प्रत्याशी को अंदर भेजा उन्होंने जाकर अपना नामांकन का कार्य पूरा करने का काम किया लेकिन प्रशासन के बहुत सारे अधिकारी मौजूद थे पूरा पुलिस संख्या बल मौजूद था कोई भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम नहीं कर रहा था ये लोग कहीं ना कहीं पीछे से बढ़ावा देने का काम कर रहे थे क्या आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे लिखित में शिकायत करेंगे कि जो भी लोग थे उसको उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ लिखित में डीएम को कप्तान को शिकायत की जाएगी उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने का काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जो ये षड्यंत्र पहली बात तो हमारे सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरी उसको कवरेज किया
हम लोग भी काफी संख्या में आए हुए थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट न हो इसलिए हमने सभी लोगों को पीछे रोक दिया था और लगातार पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी कि आप जब अलाउ करोगे तभी हम नामांकन करने आए। तो धीरे धीरे जो भी मनसा रही हो, जब समय बिल्कुल काफ़ी हो गया तो हम लोग जाने लगे। हमने अपनी सारी भीड़ को पीछे कर दिया, क्योंकि पुलिस विभाग में रहा हूँ 42 वर्ष, तो मैं नहीं चाहता था कि लॉ एंड ऑर्डर कोई क्रिएट हो। सभी लोगों को पीछे रोक दिया, मात्र लिमिटेड नियम के अनुसार जो है मैं गया था। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ इतने लोग आकर के आक्रमित हो जाएंगे और इस तरह से मिसबिहेव करेंगे, संबंधित जरूरी कागजात जो थे वो भी फाड़ देंगे और इस तरह से जो है। लेकिन और पुलिस बल मूक दर्शक होते देखता रहा सारी चीज़ों को। वो तो कुछ भले लोग थे जो आकर के उन्होंने बीच बिचाव किया, काफ़ी सुरक्षाकर्मी जो और थे उन्होंने सब आकर के किसी तरह अपने घेरे में ले लिया, अन्यथा किसी भी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कपड़े बड़े भी फाड़े गए? हाँ, काफ़ी खींचातानी हुई। कौन लोग थे? अब चूंकि मैं तो नया आदमी हूँ और नहीं पहचानता हूँ, भाजपा के ही जो है पीला लाल अंगोछा डाले हुए थे और समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे, तो निश्चय बीजेपी के लोग होंगे। आप क्या शिकायत करेंगे लिखित में? हाँ, मैं बिल्कुल इसकी तहरीर दूंगा और मुकदमा लिखाऊंगा, चूंकि मुझे काफ़ी बॉडी में तकलीफ है। बॉडी में तकलीफ जी, इतना फोर्स वोर्स लगा था फिर भी ये वारदात हुई कहीं? हाँ नहीं, सबसे तारीफ की बात ये है कि मैंने पुलिस के अनुसार ही, उन्होंने कहा कि आप 12 बजे के बाद आइए, तो मैं 12 बजे के बाद जो मैंने पूछा, उन्होंने कहा ठीक है, और वो लगातार आश्वासन देते रहे कि अब ठीक है आप आ जाइए। तो मैंने कहा जब पुलिस बुलाई रही है तो तमाम लोगों को क्या करना है, क्यों कहें मौका दिया जाए किसी तरह का। लेकिन इस तरह की जो ये लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है, लोकतंत्र की लूट है और लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं अपने मीडिया बंधुओं की तरफ से, मीडिया कर्मी सभी लोगों का तरफ से कि इसको बहुत अच्छे से देखें आप और आप इसका लिखें कि इस तरह से घटना भले लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमको प्रत्याशी बनाया है, तो हर चीज़ से मैं भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या आधार क्या है, तर्क क्या है? आधार इस जिले में चारों विधानसभाओं की सीटें जीती है, अधिकतर प्रधान और बीडीसी के सदस्य भाजपा के साथ रहे हैं। चुनाव तो जीतकर हम लोगों के लिए बहुत आसान है, भारी बहुमत से चुनाव जीते। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कार्यकर्ताओं का बरकरार है, उनके उत्साह के दम पर ही हम लोग ये चुनाव जीतेंगे और जितने भी हमारे वोटर हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित हैं और प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मिल रहे हैं। पंजू भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किस तरीके से आप देख रही हैं? कन्नौज को किस तरीके से देख रही हैं, ये तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है आपका। कन्नौज जनपद इस समय भगवामय है, हम सब लोग अभी विधानसभा के चुनाव के विधानसभा सीटें जीते हैं। हमारे यहाँ सभी ब्लॉक प्रमुख, 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी से है, तो भगवामय है हमारे जनता।